हे गाइस, आई एम सत्या, कनेक्टिंग टू यू ऑल। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये रहा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, डायरेक्ट टैक्स की तरह। दो ही सब्जेक्ट है जिससे मुझे वो बहुत डर लगता था, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा AMA। दोनों का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। DT का तो कर चुका, अब AMA का करता हूँ। देखिए होता क्या है, जब मेरा पहला अटैम्प्ट होता है, बहुत ही जोश जोश में आके मैंने बोथ ग्रुप दिए, और जब AMA का पेपर मेरे सामने आता है, मेरी कुछ तैयारी नहीं होती है। मैंने सिर्फ फास्ट ट्रैक क्लास ली होती है, और वो भी चार पेपर के देने के बाद जो मेरी हालत होती है, सब भूल जाता हूँ AMA में। OR में मैंने आखिरी दिन में मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, इतनी बड़ा सब्जेक्ट है मैं कैसे क्या करूँ। तो मैंने OR के जो मुझे अच्छे लगते चैप्टर्स, जैसे कि असाइनमेंट है, सिमुलेशंस हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने ये चैप्टर्स कर लिए और पेपर देने चला गया। पेपर में जब मेरे पास पेपर आया, तो मैंने पहले ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन ऑप्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन करने में मुझे कम से कम 20-25 मिनट तो लग गए होंगे, आराम से, उससे ज़्यादा लग गए होंगे। बहुत ही सजा सजा के कर रहा था, और 1 घंटे बाद मैं चल दिया। मेरी हालत ख़राब हो गई थी 1 घंटे बाद ही। फिर जब मैं घर पे पहुंचा, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि आपका कैसा हुआ, आप मुझे अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए कैसा क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, उसके बाद सॉल्यूशंस करने में, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में, एंड में टाइम ही नहीं बचता है। होता क्या है, 80% ही पेपर अटेम्प्ट होता है और बाकी पेपर छूट जाता है। अब क्या करना चाहिए? तो मुझे पता लग गया यार कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एक्यूरेसी, दूसरा आपकी स्पीड, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, बीच बीच में आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, सजेस्टेड स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना चाहिए। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार PM मत करना, क्योंकि PM से क्या होता है, पिछले पिछले अटेम्प्ट का पेपर PM से नहीं आया था, इसलिए PM मत करना। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो आपसे ऐसे कहते हैं। PM आपको बिल्कुल करनी है, हर सब्जेक्ट में आपको PM करनी है। अरे वहीं से पेपर आता है, कई कई बार तो पूरा पूरा पेपर PM से आ जाता है। आपको PM बिल्कुल करनी चाहिए, और आपको सीक्वेंस जो है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए, आपको PM करनी है, अगर PM आपकी पूरी हो जाती है बहुत अच्छी बात है, मुझसे तो PM ही पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आपसे PM पूरी हो जाती है, उसके बाद आप 2 RTP कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपके पास टाइम पहुंच गया, अगर आप अल्ट्रा लेजेंड हैं तो आप स्टडी मटेरियल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे सीक्वेंस शेयर करता हूँ, अपना सीक्वेंस, मैंने क्या सीक्वेंस फॉलो किया था। मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहीं क्वोरा पे या किसी ऐप पे मैंने कहीं देखा था, किसी ने 80% पेपर अटेम्प्ट किया था, 79 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, और उन्होंने यही PM करी थी सिर्फ, और RTP की थी, 2 RTP। 79 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें उनके एग्जेम्पशन आई थी, 60 मार्क्स आए थे। आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। तो उसके बाद सीक्वेंस, जहाँ पे सीक्वेंस की बात आती है, सीक्वेंस आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना होगा। सीक्वेंस को वाइजली क्यों, अगर आप ईगो सेंसिटिव हैं मेरी तरह, मेरा मैं कहता, मैं तो ईगो सेंसिटिव था। मेरे पास अगर कोई चैप्टर आ जाता है या मैं कोई चीज़ लेके बैठ जाता हूँ, तो मैं उसको तब तक करता रहूँगा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। चैप्टर 2 मैंने उठा लिया जब मुझे कुछ नहीं पता था AMA के बारे में। चैप्टर 2 मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया लेकिन चैप्टर 2 पे ही लगा हुआ हूँ मैं, चैप्टर 2 मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया। उसके बाद क्या होता है, मेरी और कहानी सुनिए। OR में उठा लेता हूँ मैं LPP, LPP भी मात LPP क्योंकि पहला चैप्टर है। उसके बाद कॉन्फिडेंस मेरा और गिर जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी कुछ करने के बाद जब मुझे सीखने को मिलता है, फिर मैं सोचता हूँ यार वो चीज़ नहीं करूँगा जो मैं कर चुका, मैं कुछ और नया उठाता हूँ। तब तो मुझे पता लगा कि हाँ, आप कैसे करनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, और बेटर यही है कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीखिए, ना कि खुद एक्सपीरियंस बन जाइए। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 आपको करना है जी, चैप्टर 1। पहले चैप्टर 1 आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, वो सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यूट्यूब पे क्या 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 चीज़ें हैं। और आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ क्वेश्चन करने हैं, फुल डिटर्मिनेशन के साथ। डिटर्मिनेशन कैसे आएगा आपके अंदर, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आपको खुद डिटर्मिनेशन पता लग जाएगा क्या होता है।
डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसको करते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, आपकी प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप करते जा रहे हैं। आप रात में बैठे हैं 9 बजे, सुबह 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको वो चीज़ ख़त्म करके उठना है, उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। वो भी बिल्कुल एकदम भागते हुए, स्लो स्लो काम नहीं करना है आपको, फास्ट फास्ट काम करना है। चैप्टर 1 की आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या डिटर्मिनेशन होता है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9, उसके बाद ओआर करना है आपको। ओआर करने के बाद चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 7 है। ये 3 चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना होगा क्वेश्चंस को। देखिए इंस्टीट्यूट का क्या है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अपने दोस्तों से डिस्कस भी किया है इस बारे में। आप कोई भी पीछे क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, 80% पेपर क्यों अटेम्प्ट हो पाता है? देखिए इंस्टीट्यूट क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट आपके माइंड से खेलता है। इंस्टीट्यूट आपको चॉइस में वो क्वेश्चन देता है जो टफ होता है, लेकिन जिसका सॉल्यूशन एक पेज का होता है। आप क्या करते हैं, आप इजी क्वेश्चन के चक्कर में आप क्या करते हैं, वो टफ वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और इजी क्वेश्चन आपका क्या होता है, 2 या 3 पेज ले जाता है, जिसकी वजह से आपका 80% ही पेपर अटेम्प्ट हो पाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा बहुत ही वाइजली आपको सीक्वेंस और बहुत ही वाइजली आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब जैसे ये देखिए चैप्टर 2 है, इसमें जो फर्स्ट 40 क्वेश्चन हैं ज़्यादातर पेपर वहीं से आता है। चैप्टर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें भी फर्स्ट 24 क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर पेपर वहीं से आता है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस वही आपके सिलेबस में है। उसका चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या कीजिए, आप सबसे पहले पार्ट 1 कीजिए, पार्ट 1 जिसमें 13 क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आप ये तो कवर कीजिए जो सिंपल भी हैं और अच्छे से हो भी जाएँ। बहुत लोगों के अंदर फोबिया होता है, वो लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बोले चैप्टर 7 करना ही नहीं है। आप पहले चैप्टर्स को ब्रेक कीजिए, चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 40 क्वेश्चन पहले कर लीजिए, फर्स्ट 40 क्वेश्चन, उसके बाद 30 क्वेश्चन स्पेयर टाइम में बाद में करिए। चैप्टर 2 के 40 क्वेश्चन करने के बाद जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, चैप्टर 6 कीजिए, चैप्टर 7 कीजिए, चैप्टर 7 का पार्ट 1 कीजिए 13 क्वेश्चन, चैप्टर 5 में फर्स्ट 24 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद टाइम बचे तो RTP ट्राई करके देखिए, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन कीजिए। उसके बाद कैसे आपको रिवाइज करना है, यहाँ पे आपसे मैं अपने शेयर करता हूँ मैंने क्या किया था। देखिए मैंने अपनी समरी बनाई थी, समरी कौन सी बनाई थी, ये रही मेरी समरी, ये मेरी समरी है, ये समरी है सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स की, सिमुलेशंस की, असाइनमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की, और सिमुलेशन असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन और CPM और पार्ट की। मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चंस को छोटा कर दिया था, एक क्वेश्चन होता है उसको मिनी कर दिया था। जैसे क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स में 4-5 चीज़ें दे रखी हैं तो मैंने उसको 2 कर दी। अब जैसे आप ये कार रेंटल वाला क्वेश्चन अगर आप PM से पढ़ेंगे तो 5, 6, 7 आगे नीचे और दे रखेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने क्वेश्चन को तीन तीन ही लिखा, 5, 6, 7 लिखे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखी। और ये मैंने जो लिखा ना यहाँ पे डिमांड प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, टेक नंबर, ये मैंने सॉल्यूशन का फर्स्ट मतलब स्टेप 1 जो होता है मैंने वही इसमें लिख दिया है, उसका सॉल्यूशन। ये आपकी मर्जी है, आप अगर समरी बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाना है कोई बात नहीं, ऐसे इतना कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे भी समरी की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी आखिरी दिन पर, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप जैसे ये देख सकते हैं, आपने समरी में क्या करना है, आपको क्वेश्चन की समरी बनानी है और सॉल्यूशन में वो लिखना है जो आपको नहीं आता है, और जो जो आपको आता है वो वहाँ पे नीचे मेंशन कर दीजिए, और आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि जब आप सेकंड टाइम जब रिवाइज करें तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आंसर आपके सामने हो। और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4, स्टेप 4 में मैंने लिख दिया कि करना क्या है, लेकिन मैंने सॉल्व करके पूरा नहीं करा क्योंकि समरी कॉपी होती है, इसलिए तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आपको लिखना होगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का है, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर में होना चाहिए। मैट्रिक्स नॉट गिवन प्लस रिवाइज मैट्रिक्स करना है प्लस मैक्सिमाइज मैट्रिक्स है, ऐसे करके आपको लिखना होगा। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन का आपको सारे स्टेप्स लिखने होंगे, और कहाँ कहाँ पे जहाँ पे आप फंस रहे हैं वहाँ पे आपको लिखना होगा कि यार ये इसका क्रक्स है, कि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम आई थी मुझे, तो आप तुरंत ही वहाँ पे लिख दीजिए। होता क्या है, बार बार जब बाद में रिवाइज करते हैं तो हम कहीं लिखा नहीं होता है तो फिर से हम उतना ही टाइम लगा देते हैं उस क्वेश्चन करने में,
तो आपको क्वेश्चन में जैसे आप जहाँ पे फंस रहे हैं पहले आप लिखिए क्यों फंसे आप, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे ये देखिए सीपीएम बर्ड का नीचे फॉर्मूला सब लिखा हुआ है, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपको उठाना है, उसकी समरी बनानी है। उसके बाद अब जैसे ये पीएम का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन में पहले पहले लिख लीजिए वेरी वेरी सिंपल, हर क्वेश्चन देखिए सिंपल होता है, आप ट्राई तो कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्राई नहीं करते क्वेश्चन, अरे आप देख के कीजिए लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए। आप जब देख के करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंदर से निकल के आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन जब मैंने लिख के किया, मैंने देख के लिख के किया, पहले देखा फिर देख के जो लिख के किया, उसके बाद मुझे पता लगा इसमें कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो इज इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप कैश फ्लो इज इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन कहेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे पूछा गया है सब आ जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको जो भी करना है, जो भी आपको चैप्टर्स करने हैं, ये सब सब्जेक्ट में फॉलो करता था मैं, और चाहे आपका इसका हो, चाहे आपका एएमए हो, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एफआर हो, आप एक स्टिकी नोट लीजिए, ये आपका स्टिकी नोट्स होता है, आज भी मैं इसको फॉलो करता हूँ। स्टिकी नोट्स पे आप लिखिए आपको क्या क्या करना है, अपनी चेकलिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आपको कितना करना है। उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी कि आपने कितना कर लिया है। आपके बिल्कुल जस्ट सामने अगर होगा जो चीज़ तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम लोगों का होता क्या है, हम लोग जैसे कोई एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ख्याल जो होते हैं माइंड में बहुत दूसरे सब्जेक्ट के आ रहे होते हैं। जब हम एएमए पढ़ रहे होंगे तो हमें इसका का ख्याल आ जाएगा। तो आपको वॉल पे ये स्टिकी नोट चिपका के लिखना पड़ेगा कि यार मुझे एक समय पे एक चीज़ करनी है, एंड यू हैव टू गिव अ फुल शॉट। आपको लिखना होगा उस पे, स्टिकी नोट पे लिख लेना कि यार मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा ना, आपके जस्ट सामने होगा और आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। उसके बाद आपको जो भी रेपिटेटिव्स हैं, मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ, जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चन हो, अगर आपकी जैसे आपने क्वेश्चन अपने कोचिंग मटेरियल से कर लिए, रेपिटेटिव होंगे वो आपको काटने होंगे पेंसिल से, ताकि आप थोड़ा और पतला कर दें अपने पीएम को। रिवाइज कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं। आप कोई भी सेट बना लीजिए, 10 क्वेश्चन का सेट बना लीजिए, या अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेट बना लीजिए। 10 क्वेश्चन पहले आप देखिए पीएम से, पहले तो आपने एक चैप्टर पूरा कर लिया होगा अपने स्टडी में उससे कोचिंग नोट से। उसके बाद क्या कीजिए, आप सबसे पहले 10 क्वेश्चन उठाइए पीएम के, 10 क्वेश्चन को पहले देखिए अच्छे से, देखने के बाद उससे थोड़ा रिकॉल कीजिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद उसको करके देखिए। ऐसे ही आपको सारे सम्स करने हैं धीरे 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 धीरे। सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है, सेकेंड रिवीजन आपको हाईलाइट करना है और आपको क्रक्स पॉइंट लिखना है उसमें, इस प्रॉब्लम में मैं कहाँ पे फंसा था, क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे, वो सब आपको करना है। और उसके बाद आपको समरी बनानी है। समरी अगर आपकी मर्जी, आप बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाना कोई बात नहीं, इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं समरी की। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको समरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका थ्योरी कहाँ से करनी है, थ्योरी में आप चैप्टर 1 जरूर करना, चैप्टर 1 60% या 50% तो आपका पेपर वहीं से आता है। थ्योरी अगर थ्योरी मान लीजिए 16 मार्क्स की आती है तो समझ लीजिए 8 मार्क्स की उसमें चैप्टर 1 से आता है। तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करनी है। सेक्शन ए है, सेक्शन सी है, सेक्शन सी बहुत अच्छे से करना है। सेक्शन सी और सेक्शन ए सबसे बाद में आपको करने हैं। एक रवि सोलंकिया सर हैं जिन्होंने वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उन्होंने सेक्शन ए सेक्शन सी सब मेंशन किया हुआ है, सारा बता रखा है, तो आप वो कीजिएगा। इसके बाद 1.5 डे स्ट्रेटजी, 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है। देखिए जैसे ही अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आपका अगर लॉ का पेपर ख़त्म होता है जैसे ही, उस दिन आके आप सबसे पहले ओआर ख़त्म कीजिए। ओआर में क्या करना है आपको, ओआर में जरूर जो कॉन्सेप्ट आपके रिपीटेड हैं वो तो नहीं देखने हैं, जो आपको डिफरेंट क्वेश्चन लगता है आप पहले से क्वेश्चन मार्क करके रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कौन से हैं, उन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को लिख के देखिए। चैप्टर 1 चैप्टर 3 चैप्टर 9 चैप्टर 4 इसमें भी क्वेश्चन मार्क कीजिए, और मार्क करने के बाद लिख के देखिए। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, क्वेश्चंस बस देख के चला गया, वो मार्क्स उसके आए 36। रिजल्ट के बाद उसने मुझसे कहा कि यार रिवैल्यूएशन करा लूँ क्या। अब मैंने उससे कहा था कि यार साथ में बैठते हैं अपन लोग, रात का ऐसे कुछ 7-8 बजे थे, मैंने कि रात में बैठते हैं और फुल डिटर्मिनेशन के साथ म्यूज़िक सुनते हैं और
निपटा देंगे यार सुबह 3-4 बजे तक, जितना भी हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। एग्ज़ाम से जो मैं 1.5 दिन मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वो क्या करता था, वो बस क्वेश्चन ऊपर से देखता था। और मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन लिख के देखे थे और मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी स्पीड। और आपको ऐसे ही बिल्कुल फुल डिटर्मिनेशन के साथ अच्छे से लिख के करने हैं क्वेश्चंस, आपको कोई ऊपर से नहीं देखना है। क्या होता है ना, बहुत बार लिखने के बाद पता लगता है कि जहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, और वही चीज़ लिखनी है जहाँ पे आप ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद चैप्टर 1, 3, 9 एंड 4 आपको क्रक्स पॉइंट अगर आपने लिखे होंगे बुक्स में, वो आपको बस रीड करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं कुछ क्वेश्चंस। और चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 बहुत ही लेंदी है। चैप्टर 2 के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा सिर्फ आपने कोचिंग मटेरियल जो है आपका बस वो ही देख लीजिए, वो काफ़ी है। आखिरी दिन इतना टाइम नहीं होता है, ऐसे ही चैप्टर 5 में आखिरी दिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन देख लें। चैप्टर अगर 2 और चैप्टर 5 में आप बहुत ही कुछ कम क्वेश्चंस मार्क कीजिए जो आप एंड में कर पाएँ या देख पाएँ। बाकी थ्योरी का तो मैंने आपको बता ही दिया था, थ्योरी आपको एग्जाम डे की मॉर्निंग भी करनी है। 12 बजे तक पढ़िए, 12 बजे से पहले जितना आप थ्योरी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और थ्योरी के साथ साथ चैप्टर 6 है वो भी देख लीजिएगा ऊपर से। चलिए, मुझे लगता नहीं इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी EMA में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब पॉइंट ये आता है कि कैसे जिस भी इंसान से हम मिले, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो एज में बड़ा है हमसे चाहे हमसे छोटा है, चाहे वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, हम किसी से भी मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल साइलेंटली आराम से पूरे इंटरेस्ट के साथ कैसे सुने? वो कब हो सकता है? जब आपका एटीट्यूड, जो बेसिक इस दुनिया का एटीट्यूड है वो है अर्निंग एटीट्यूड, वो ना हो आपका एटीट्यूड हो लर्निंग एटीट्यूड।